हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी, हु इज रॉन्ग हु इज राइट बाय ध्रुव राठे। अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखने, लिंक को उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ओरिजिनल वीडियो देख सकते हो। तो ये है जी दो मोटिवेशनल स्पीकर जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं और एक दूसरे को जो है कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है वो फ्रॉड है, जो कोर्सेज बेच रहे हैं ना एक दूसरे को, तो उसमें ये बताया गया। वीडियो में हमें पता नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। पर उससे पहले आप एक काम करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें जरूर सपोर्ट करें। और अगर इसी तरह वीडियोस आप चाहते हैं कि रिएक्ट करें तो जरूर हमें एक अच्छा सा कमेंट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 11 दिसंबर को मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी ने एक वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज नाम। इस वीडियो में कुछ यंग लोगों ने खड़े होकर बताया कि कैसे उनके साथ एक बड़ा स्कैम हुआ था। कहा गया कि इन्होंने करीब 50,000 रुपए में एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा जिसमें खुद में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसे एलिजिडली एक MLM स्कीम की तरह बेचा जा रहा था। दिक्कत यार है ना, जो कोर्स का उसने मार्केटिंग करी थी, ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लो किस तरीके से, आप ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे। लोगों को कहा गया कि अगर आपको भी लाखों रुपए कमाने हैं तो आप भी इसे आगे जाकर और लोगों को बेचो। रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जैसे मिल लिया, उन्होंने पहले मेरे पेरेंट्स के थ्रू उनको बताया कि आप ये करवा लो अपने बेटे से, लाइफ सेट हो जाएगी। एक और अनफॉर्चुनेट चीज ये कही जाती है कि ज्यादातर लोग जिन्होंने इसे खरीदा वो गरीब लोग थे, बेरोजगार थे और पैसे का लालच देकर उन्हें ये खरीदवाया गया। हालांकि वीडियो में किसी स्कैमर का नाम नहीं मेंशन किया गया था, लेकिन देखने वाले लोगों ने कहा कि ये वीडियो विवेक बिंद्रा की ओर इशारा करता है। विवेक बिंद्रा एक और मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। 18 दिसंबर को ये बात अपने आप ही क्लियर हो जाती है क्योंकि विवेक बिंद्रा अपने यूट्यूब चैनल पर एक रिस्पॉन्स वीडियो रिलीज करते हैं। ये बहुत लंबा वीडियो था जिसमें संदीप महेश्वरी के ऊपर भी कई आरोप लगाए जाते हैं कि संदीप कैसे बिजनेस कंसल्टिंग करते हैं, उसके लाखों रुपए चार्ज करते हैं। और विवेक बिंद्रा का तो ये तक भी कहना था कि ये कंट्रोवर्सी इसलिए उठी क्योंकि संदीप महेश्वरी के चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे। 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस मास्टर का। ऐसी आर्ग्यूमेंट्स की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी की कैटेगरी में आती है, जहां पर पॉइंट पर बात करने की जगह आप दूसरे इंसान को पर्सनली टारगेट करना शुरू कर दो। विवेक बिंद्रा की सेकंड लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स थी कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मैंने फ्री मील्स बंटवाए हैं, मैंने लोगों को ट्रेन किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं कि रातों रात पूरा अस्पताल खड़ा करा दिया, 2 करोड़ लोगों को हमने फ्री मील्स बंटवाए थे, 200 बेड का अस्पताल तैयार किया। ये सब ठीक है, लेकिन स्कैम की एलिगेशंस को लेकर इररिलेवेंट है। एक्चुअली में जो आरोप विवेक बिंद्रा पर लगे उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने 2 टाइप की चीजें कही। पहला, अपने आप को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्लीन है, उनकी बैलेंस शीट में कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि अर्नस्ट एंड यंग जैसी रेप्यूटेड कंपनी ने उनका ऑडिट किया है। वो कहते हैं कि यहाँ पर फुल ट्रांसपेरेंसी है, फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। फिर इन्होंने कहा कि इनके सेल्स डिपार्टमेंट में क्वालिटी है, इनकी एक मनी बैक गारंटी है, और अगर कोई मिस सेलिंग करता है तो इमीडिएटली रिफंड कर दिया जाता है। जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। इन्होंने कहा कि लोग इनसे सीखने आते हैं और उनमें से कुछ लोग अफिलियट के तौर पर ज्वाइन करते हैं, और जो भी ये कर रहे हैं उसमें कोई MLM स्कीम नहीं है, यहाँ पर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं हो रही, बल्कि एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या है आपको मालूम है? वो जब बहुत सारे लेवल हो, यहाँ एक ही लेवल है, वो अफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग में क्या फर्क है इसकी बात मैं आगे वीडियो में करता हूँ। लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट विवेक बिंद्रा का अपोलोजेटिक था। इन्होंने इस बात को एडमिट किया अपने वीडियो पर कि कुछ थोड़े से लोगों ने मिस सेलिंग करी है और इनसे जहां गलती हुई है वहां पर ये माफी मांगने के लिए तैयार है, और क्योंकि कुछ थोड़े से लोगों ने मिस सेलिंग करी तो इन्होंने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ही बंद कर दिया था मई के महीने में, क्योंकि कुछ लोग ने मिस सेलिंग किया था, नीचे बहुत छोटी मात्रा थी, पूरा प्रोग्राम मई में बंद कर दिया, जिसका वीडियो आपने आज बनाया अपना बिजनेस मास्टर शुरू करते वक्त। इसके रिस्पॉन्स में 20 दिसंबर को संदीप महेश्वरी एक और वीडियो अपलोड करते हैं और इस बारी सीधा और ओपनली टारगेट करते हैं विवेक बिंद्रा को। इस वीडियो में एक बारी फिर से वही एलिगेशंस दोहराए जाते हैं कि कैसे लोगों को एक सेमिनार में ले जाया गया, सपने दिखाए गए BMW गाड़ियों के, ये कहा गया कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो, और पता चला कि कैसे आप पैसे कमाओगे इस कोर्स को आगे और लोगों को बेचकर। ये एक नया हैशटैग भी चलाते हैं इसके बाद, #StopVivekBindra नाम से।
कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और चार बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पे 30% 35% जो भी है कमीशन लो और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं क्योंकि इसी बीच कुछ पुरानी वीडियो क्लिप्स उनकी सर्कुलेट करने लगती हैं जिसमें उन्होंने SC ST डॉक्टर्स को स्टीरियोटाइप किया और रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज किया। रिजर्वेशन का मतलब है एंटी प्रोग्रेसिव, जो आदमी में दम है उसको आगे नहीं जाने देते। इंडियन सिस्टम क्या पूरी तरह ऑपोजिट है मेरिटोक्रेसी की, मेरिट पर नहीं चलाते। यहाँ पे कितने बारी ऐसा होता है कि सर्जिकल इक्विपमेंट अंदर ही छोड़ के आ जाता है, सिजेरियन करते वक्त कभी कॉटन अंदर छोड़ देता है डॉक्टर। ऑब्वियसली मेरी राय में ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट है जो प्रिविलेज ब्लाइंडनेस दर्शाती है। जो लोग लोअर कास्ट लोगों की पोजीशन पर नहीं होते वो लोग नहीं जानते कि आज के दिन भी कितना कास्टिज्म और कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन देश में देखने को मिलती है। लेकिन विवेक बिंद्रा के लिए पूरी सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है जब ये वाली खबर सामने आती है। डेज आफ्टर वेडिंग मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा बुक्ड फॉर असॉल्टिंग वाइफ। एलिजिडली इन्होंने अपनी पत्नी को मारा पीटा और फिजिकली अब्यूज किया। इसके चलते इनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन दर्ज करी जाती है। कंप्लेन दर्ज करने वाले एक गाजियाबाद के रेजिडेंट वैभव क्वात्रा, उन्होंने आरोप लगाया कि इनकी बहन ने विवेक बिंद्रा से शादी करी थी 6 दिसंबर को और 7 दिसंबर को एक आर्गुमेंट के बाद इतनी बुरी तरीके से उनकी बहन को मारा पीटा गया कि उन्हें सुनने में अब दिक्कत होती है। 14 दिसंबर को इसको लेकर नोएडा के पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया जाता है और ये बात अगर सच तो बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि विवेक बिंद्रा एक ऐसे इंसान है जो और लोगों को लाइफ लेसन दिया करते थे, भगवत गीता के कोट सुनाते थे लोगों को ये सिखाने के लिए कि वो अपनी जिंदगी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में कई बारी बताया है, हमें यहाँ पर मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। कई बारी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो केस खत्म होने से पहले, कोर्ट की जजमेंट आने से पहले हमें किसी को दोषी यहाँ नहीं मानना चाहिए। तो अपने मेन मुद्दे पर अब वापस आए, बड़ा बिजनेस का ये अलेजिड स्कैम संदीप महेश्वरी वर्सेज विवेक बिंद्रा, कौन यहाँ पर सही है कौन यहाँ पर गलत है ये भी कोर्ट ऑफ लॉ में ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर लीगल है और क्या इलीगल है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी राय में, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर मॉरल है और क्या इमोरल है इस कोर्सेज एफिलिएट्स और MLM की दुनिया में। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं बिजनेस करने का क्या मतलब है। इसका मतलब है आप किसी को कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो और उसके बदले आपको पे किया जाता है, आपको पैसे मिलते हैं। बड़ी ही सिंपल ट्रांजैक्शन है। प्रोडक्ट का मतलब कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, टेबल, चेयर, गाड़ी, बंगला, कोई भी चीज यहाँ आपको बेची जा रही है। और दूसरी तरफ सर्विस का मतलब हो गया कोई भी सेवा आपको दी जा रही है। अब सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हो वो एक सर्विस का बिजनेस हो गया, या किसी से कंसल्टेशन लेते हो या फिर टैक्स एडवाइजर या लॉयर से उनकी सर्विसेज लेते हो वो सर्विस टाइप का बिजनेस हो गया। तो प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी यहाँ बेचा जा रहा है मतलब बिजनेस है। अब क्योंकि हम इंटरनेट के जमाने में जीते हैं तो जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट यहाँ पर एक फिजिकल प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे कि कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, अगर कंप्यूटर पे आप फोटोशॉप डाउनलोड करते हो एक डिजिटल प्रोडक्ट है, या फिर एक ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्सेज अपने आप में बड़े वैल्यूएबल हो सकते हैं जिनसे आप नई चीजें सीखते हो, नॉलेज गेन करते हो या फिर नई स्किल्स सीखते हो। मेरे खुद के भी 2 ऑनलाइन कोर्सेज हैं ध्रुव राठी एकेडमी पर जिनके बारे में शायद आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, एक ChatGPT के ऊपर। तीसरा कोर्स जल्द ही अगले महीने आने वाला है जो कि होगा यूट्यूबर बनने पर, कैसे आप यूट्यूब को अपना करियर बना सकते हो। यहाँ विवेक बिंद्रा के भी अपने ऑनलाइन कोर्सेज हैं जैसे कि ये 10-day MBA वाला कोर्स। और यहाँ पर आती है दोस्तों मेरी राय में पहली इमोरल चीज, ब्रांडिंग की प्रॉब्लम। मेरी राय में कोर्स को ये नाम देना बहुत ही मिसलीडिंग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स में जो सिखाया जा रहा है वो वैल्यूएबल नहीं है या नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन 10-day MBA नाम दे देना, MBA का मतलब क्या होता है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले लोगों को शायद लगे कि पूरी की पूरी MBA की डिग्री यहाँ 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? एक MBA की डिग्री को करने में 1-2 साल का समय लगता है ऑन एवरेज। ये तो वही बात हो गई जैसे ये टोमेटो केचप की बॉटल, फ्रेश टोमेटो केचप। नाम देखकर आपको लगेगा कि इसमें फ्रेश टमाटर डले होंगे, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ एक ब्रांड नेम है। इस पैकेट को पीछे घुमाकर देखोगे तो लिखा हुआ है This is only a brand name / trademark and does not represent its true nature. अमूल फ्रेश पनीर का मतलब ये नहीं कि पनीर फ्रेश है, ये भी सिर्फ इसका नाम है। आप पैकेट घुमाओ तो इसमें भी वही लाइन लिखा हुआ है। यहाँ पर भी यही बहाना दिया जा सकता है कि नहीं, ये तो बस ब्रांड का नाम है 10-day MBA, इसका मतलब ये नहीं कि आपको MBA की डिग्री मिल गई। लेकिन सोचकर देखो, मैं अपने ChatGPT कोर्स के साथ ये करूं, अपने कोर्स का नाम मास्टर ChatGPT की जगह है, मैं कोर्स का नाम रख दूं बैचलर्स डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
और आपको ये कहकर उसे बेच दिया, देखो ये तो बैचलर्स डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोर्स है मेरा। सही बात। खरीदने वाले को लगेगा कि क्या मतलब पूरी की पूरी बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, फिर मैं कहूंगा कि देखो ये तो सिर्फ ब्रांड नेम है। इस 5 घंटे के कोर्स में आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना सीखोगे, लेकिन ये बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सिर्फ ब्रांड नेम है मेरा। ये चीज इलीगल नहीं है करनी, लेकिन मेरी राय में ये करना बहुत ही इमोरल है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कोर्स के प्राइस को लेकर। कुछ लोगों ने आर्ग्यूमेंट उठाया कि विवेक बिंद्रा ने अपना कोर्स 50,000 रुपए में बेचा, इतना ज्यादा कैसे हो सकता है एक ऑनलाइन कोर्स का प्राइस, ये तो पक्का स्कैम होगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना था। वैसे यहाँ पर दो अलग अलग कोर्सेज की बात हो रही है, 10-day MBA वाला अलग कोर्स है और ये IBC वाला जिसको लेकर पूरी कॉन्ट्रोवर्सी उठी है ये अलग कोर्स है। लेकिन जब बात प्राइस पॉइंट की आती है, इस आर्ग्यूमेंट में मुझे सेंस लगता नहीं है। कोई कोर्स सिर्फ इसलिए स्कैम नहीं बन जाता क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर आपको उसका प्राइस ज्यादा लग रहा है तो शायद आप उसके टारगेट कस्टमर नहीं हो। क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने 500 रुपए के भी ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे हैं, 5,000 के भी खरीदे हैं, 50,000 के भी खरीदे हैं और 5,00,000 रुपए के भी ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे हैं। मजाक नहीं कर रहा है यहाँ पर। मैंने एक कोर्स खरीदा था जो लिटरली 5,00,000 रुपए का था और सच बता रहा हूँ, एक एक रुपया जो मैंने उस कोर्स पर स्पेंड किया मुझे वर्थ इट लगा, क्योंकि वो कोर्स मेरी जरूरतों को मीट करता था। जिस चीज की मैं तलाश में था वो चीज मैंने उस कोर्स से सीखी और जो रिटर्न मुझे मिला, जो नॉलेज मुझे मिली इस कोर्स से, वो 5,00,000 से भी ज्यादा वर्थ की थी। तो कोई ऑनलाइन कोर्स सिर्फ इसलिए स्कैम नहीं होता क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है। यही कारण है कि मैं कहूंगा संदीप महेश्वरी को लेकर भी जो कॉन्ट्रोवर्सी उठी थी यहाँ पर, कि अखबार में उन्होंने एक एड छापी थी जिसमें वो कंसल्टेशन ऑफर कर रहे थे 36,00,000 रुपए की, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। अगर आपको उसका प्राइस ज्यादा लगता है तो आप उसके टारगेट कस्टमर नहीं हो। अगर आप मेरी जगह पर होते और 5,00,000 रुपए उस कोर्स पर स्पेंड करते जिस पर मैंने स्पेंड किए, तो आपको शायद लगता है कि ये तो बिल्कुल पैसों की बर्बादी थी, क्योंकि आप मेरी जगह पर नहीं हो। जो चीज मुझे वैल्यूएबल लग रही है वो आपको वैल्यूएबल लगे ऐसा जरूरी नहीं है। लोगों की जरूरतें अलग अलग होती हैं और इस चीज को लेकर मैं एक सिंपल एडवाइस देना चाहूंगा, कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदने से पहले उस कोर्स के पेज पर जाकर उस कोर्स का करिकुलम देख लिया करो। जो भी ट्रस्टेबल और अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो अपने कोर्स के पेज पर डिटेल में लिखते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या क्या सीखने वाले हो इस कोर्स से। जैसे मेरे टाइम मैनेजमेंट कोर्स के पेज पर देखो, मैंने क्लियरली लिखा है 5 मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या एग्जैक्टली चैप्टर्स होंगे वो लिखे गए हैं। सिमिलरली मैंने चैट जीपीटी के कोर्स में भी क्लियरली लिखा है 6 चैप्टर्स हैं इस कोर्स में। पहले चैप्टर में 4 लेसन्स होंगे जो आपको ये चीजें सिखाएंगे, दूसरे चैप्टर में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक्स सिखाए जाएंगे, तीसरे चैप्टर में स्टूडेंट्स पर फोकस किया जाएगा, चौथे चैप्टर में यहाँ पर पर्सनल लाइफ पर फोकस किया जाएगा, आप हेल्थ और फिटनेस, ट्रैवल प्लानिंग, फूड एंड डाइट प्लानिंग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं, फिर बिजनेस और एम्प्लॉयर्स पर फोकस है। तो यहाँ कुछ छुपाया नहीं जा रहा है आपसे, क्लियरली लिखा है कि चैट जीपीटी की मास्टरी करना आप सीखेंगे, डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, अपने घर में, काम में, स्कूल के कामों में, जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे। इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि कितना वैल्यूएबल होगा आपके लिए। अब अपने मुद्दे पर वापस आए तो तीसरा पॉइंट यहाँ उठता है मिस सेलिंग को लेकर। अगर मैं अपना चैट जीपीटी वाला कोर्स आपको बेचूं ये कहकर कि इस कोर्स से आप लाखों रुपए कमा सकते हो, और वो इस सेंस में नहीं कि आप जो इस कोर्स से सीखोगे, नॉलेज गेन करोगे, उस नॉलेज को अप्लाई करोगे अपने बिजनेस में, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी बिजनेस की और उससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो, उस सेंस में नहीं। आप लाखों रुपए कमा सकते हो इस सेंस में कि जो भी इस कोर्स को खरीदेगा वो इस कोर्स को आगे बेचकर लाखों रुपए कमा सकता है। क्या ऐसा करना सही होगा? अगर मैं अपने कोर्स को उसकी वैल्यू के बेसिस पे ना बेचूं, बल्कि ये कहकर बेचूं कि इस कोर्स को आगे बेचकर आप और रुपए कमा सकते हो, यही आरोप कुछ लोगों ने विवेक बिंद्रा पर लगाया। लोगों ने कहा कि विवेक बिंद्रा ने अपने कोर्स को ये कहकर बेचा कि इस कोर्स को अगर आप खरीदोगे तो आप 1-20 लाख रुपए तक कमा सकते हो। गारंटी दे रहा हूँ 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेंगे। इस केस में क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, इसे जानना थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि अपने आप में एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ भी गलत नहीं है। एक आम बिजनेस में क्या था, जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हो, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हो और जब आप ऐसा करते हो तो आपको उसका एक कमीशन मिलता है। ये है एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिस और बहुत सी कंपनीज ये करती है। इसका एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है अमेजोन का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। मान लो आपका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप पेंटिंग करते हो, जिस पेंट ब्रश का आप इस्तेमाल करते हो वो अगर अमेजोन पे बिक रही है तो उस पेंट ब्रश का आप एफिलिएट लिंक अपने वीडियो में डाल सकते हो और अपने व्यूअर्स को कह सकते हो कि अगर आपको यही वाली पेंट ब्रश खरीदनी है तो मेरा एफिलिएट का लिंक इस्तेमाल करो, और जब लोग उस लिंक को इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस पर कुछ कमीशन मिलेगा। अमेजोन की तरफ से आपको कुछ कमीशन मिलेगा क्योंकि आपने अमेजोन का प्रोडक्ट बेचा है, तो इसलिए थोड़े से 1-2%, कई बार 5-10% भी हो जाता है, उस सेल का आपको पैसा मिल जाएगा।
बहुत से यूट्यूबर्स ये करते हैं कि जब भी वो कोई कैमरा या इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसका अफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और ये साइड इनकम का बड़ा अच्छा जरिया बन सकता है। मैं भी एक दो साल पहले किया करता था, लेकिन अब बंद कर रखा है। पर अमेज़न ही नहीं बल्कि ढेर सारी कंपनीज ये करती हैं। मीशो का भी एक अपना अफिलिएट प्रोग्राम है। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग से मिलती जुलती चीज है रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग में कंपनी आपको कमीशन के तौर पर पैसे देने की जगह कोई और रिवॉर्ड दे देती है, जैसे कि ड्रॉपबॉक्स का रेफरल प्रोग्राम है। अगर आप अपने किसी दोस्त को अपना रेफरल लिंक भेजते हो तो आप दोनों को ड्रॉपबॉक्स की तरफ से कुछ फ्री स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। ये छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग का तरीका हो सकता है बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए। मान लो अगर आप किसी बार्बर के पास गए और उस बार्बर ने कहा आपसे कि अगली बार बाल कटवाने आओगे तो अपने 3 दोस्तों को साथ में लेकर आना और आपके लिए हेयर कट फ्री हो जाएगा। अब दोनों ही रेफरल या एफिलिएट मार्केटिंग में कोई ना कोई जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस जरूर होती है जिसकी अपने आप में कुछ वैल्यू होती है। अब इनके अलावा एक तीसरा मॉडल आता है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल। ये एफिलिएट और रेफरल से एक स्टेप और ऊपर चले जाता है। इस केस में आप लिटरली कंपनी के सेल्समैन की तरह बन जाते हो, डोर टू डोर जाते हो, लोगों के घरों में जाते हो, ऑफिस में जाते हो या फिर ट्रेन स्टेशन पर खड़े होकर लोगों को कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो। इसमें भी अपने आप में कुछ गलत नहीं है। छोटे बिजनेसेस और छोटी कंपनीज के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग या ब्रांडिंग पर। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज भी ये करती हैं, जैसे कि यूरेका फोर्ब्स जो एक्वा गार्ड के पीछे कंपनी है, उनकी 10,000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स की एक डायरेक्ट सेल्स फोर्स है। और टप्परवेयर, ऑलमोस्ट हर किसी के घर में जो प्लास्टिक के टप्परवेयर के डब्बे रखे होते हैं, वो कंपनी भी डायरेक्ट सेलिंग के मेथड का ही इस्तेमाल करती है। इस केस में भी यहाँ पर एक जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस है जिसकी अपने आप में वैल्यू है। फिर आती है नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलर से एक स्टेप और आगे चले जाओ। अब डायरेक्ट सेलर बनके ना सिर्फ किसी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने लग रहे हो बल्कि अपने नीचे और डायरेक्ट सेलर्स को भी रिक्रूट करने लग रहे हो। एक नेटवर्क सा बना रहे हो आप अपना। लेकिन इमेजिन करो आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस ही ना हो बेचने के लिए, प्रोडक्ट या सर्विस की जगह एक मेंबरशिप बेची जाए, एक ऐसी मेंबरशिप जिसका हिस्सा बनने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और आपको कहा जाता है आप इस मेंबरशिप को जाकर और लोगों को बेचो, उन्हें भी पैसे देने पड़ेंगे, आपको उससे कुछ कमीशन मिल जाएगा। ये चीज सही में एक स्कैम है और इल्लीगल भी है। दिसंबर 1978 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, द प्राइस चीट्स एंड द मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट। इस कानून ने इस मेंबरशिप वाले सिस्टम पर बैन लगाया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ऐसी मेंबरशिप्स नहीं बेच सकते, यहां पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी जरूरी है। लेकिन फिर कुछ कंपनीज ने स्कैम करना शुरू कर दिया लोगों को बस नाम नाम का प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो यहाँ एक किट बेचती है साबुन, हेयर ऑयल और क्रीम की। इस किट की वैल्यू अपने आप में 250 रुपए है, लेकिन इसे बेचा जाता है 7,000 रुपए की कॉस्ट। बिल्कुल विवेक, बिंद्रा एंड संदीप, बेसिकली इसमें जो पॉइंट है ना कि जैसे हमारा एक वो ट्रेंडिंग पे है शायद अनवर जो अपने कोर्स को बेच रहा है कि मेरा कोर्स लो और ये कर दोगे अमेज़न पे बादशाह बन जाओगे, ये कर दोगे और पैसे कमा लोगे। हाँ, और वो खुद जो है वो कोर्स बेच बेच के जो है वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। उसकी खुद की कोई प्रोडक्ट नहीं है, खुद किसी कोई बेचा नहीं होगा और जो है $300-$300 जो है वो गरीब लोगों का, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ या बांग्लादेश जो जहाँ भी उसके वो वीडियोस देखे जाते हैं तो वो लोगों को बेवकूफ बना के कहते हैं। जैसे अभी बिंद्रा ने कहा कि 10 दिनों में GMV की डिग्री लो, तो ऐसे मतलब हर एक जगह होते हैं जो कि ज्यादातर माइंड के साथ खेलते हैं कि हाँ जी, क्योंकि हर कल मतलब आजकल ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं तो वो शॉर्टकट के जरिए ढूंढते हैं। और फिर ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जब आते हैं तो कहते हैं कि यार हमारे कोर्स ज्वाइन करो और आप ये कर लोगे वो कर लोगे। तो ये जो है इस वीडियो में मुझे जो है वो लगा कि इस वीडियो का मकसद जो है वो ध्रुव राठे का यही था बताना कि आप जो है वो कोर्स को देखो कि वो सेल क्या करना चाह रहे हैं। हाँ। वो क्या थर्ड पार्टी का वो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं या वाकई में आपको जो है वो कुछ सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि कोर्स आपको ये नहीं बता सकता, मतलब ये आप बना सकते हैं कि आप मिलियनेयर बनोगे, वो आप पे डिपेंड करते हैं कि कोर्स से आप सीखते कितना। अगर कोर्स को बाय करके आप सोचोगे कि मैं मिलियनेयर बनूंगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे हमारे लोग कितने मतलब के कोर्स में लोग ले लेते हैं और फिर ये नहीं कहते मतलब तुम मेरा कोर्स ले लो, मतलब आगे दूसरे पर उसको भेजो भेजो। तो मुझे तो संदीप महेश्वरी ने जो बातें की, क्योंकि मैं इसको फॉलो भी करता हूँ और मैंने ये चीजें देखी भी है, तो सही लग रहा है। विवेक बिंद्रा कभी कभार कुछ ज्यादा ओवर हो जाता है और जो टाइटल है उसका जो ध्रुव राठे ने मेंशन किया कि आप जरूरी नहीं है कि आप MBA का कोर्स लगाओ 10 दिनों में, लोग 2-3 साल लगा लेते और आपकी 10 दिनों में, तो ऐसे तो फिर 10 दिनों में कोई डॉक्टर भी बन जाए, 4-5 साल MBBS कर लीजिए। तो ये है, तो हमारा भी एक है जो बंदा है अमेज़न का, तो वो भी ऐसी चीजें करते हैं। तो खैर हम
जो है वो उस पे नहीं आते हैं, उस पे नहीं आते उसका छोड़ देते हैं। आजकल तो फ्रॉड भी होता है, फ्रॉड बहुत है हर जगह पे, फ्रॉड बहुत है। तो ये थी हमारी वीडियो, आई होप कि आपको जो है हमारा रिएक्शन और हमारी एनालिसिस थे अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और इस चैनल को जरूर जो है वो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टेक केयर।